शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ, प्रधानमंत्री मौजूद थे और श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री आज बनी। सबसे पहले बधाई मैम आपको। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। बड़ा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम, खुद प्रधानमंत्री पहुंचे थे, कैसे देखा जाए इस पूरे कार्यक्रम को? ऐतिहासिक लम्हा था जहां पे स्वयं प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में तमाम देश भर का नेतृत्व था, चीफ मिनिस्टर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, NDA के, भाजपा के सारे चीफ मिनिस्टर्स थे। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक लम्हा था, हरियाणा के भूमि पर ये हमने सब देखा। और उन्होंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, हम सबको आशीर्वाद दिया। 2014 से पहले किरण मैम मंत्री थी, अब काफ़ी साल हो गए, 10 साल हो गए, उसके बाद अब आप मंत्री बने, तो काफ़ी इंतज़ार था आपके इलाके को, और किस तरीके से वो तमाम चीज़ें पूरी होंगी जो सोचा था? देखिए, ये लोगों की का आशीर्वाद है, उनकी प्रार्थनाएं हैं, और उनको मालूम है कि ज़मीन पे बहुत काम ईमानदारी के साथ किया है। हर दम जब भी पावर आई है तो लोगों के लिए खड़े रहे हैं, और अब और भी ज़्यादा सहारा है क्योंकि भाजपा की नीतियां ऐसी हैं जो सबके लिए हैं। काम करने की मंशा है, एक वातावरण है, नेतृत्व तगड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ज़बरदस्त हाथ है अब स्टेट पर। तो अब आगे अच्छे अच्छे काम होंगे, ऐतिहासिक काम, असली ऐतिहासिक काम, और मैं मानती हूँ कि आगे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सोचा मंत्रालयों के बारे में, क्योंकि अभी तो पोर्टफोलियो मिलने बाकी है? ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं। थैंक यू। श्रुति चौधरी हमारे साथ है, कैबिनेट मंत्री बनी है, आज वो शपथ ली है, और वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक काम अब आने वाले समय में किए जाएंगे उनकी तरफ से, साथ ही पोर्टफोलियो अभी वितरित किए जाने हैं, क्या महकमा उन्हें मिलेगा इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। वो कह रहे हैं कि ये फैसला करना उनके हाथ में नहीं, ये फैसला हाईकमान की तरफ से किया जाएगा। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन के साथ अनिल सेमवाल।